शेर मुनाद फरमाए सीरत नबी की कैसे समाएगी ना तुम्हें, सीरत नबी जब तक नबी से इश्क बहाया न जाएगा, जब तक नबी से इश्क बहाया न जाएगा, गुलामी के रंग में ये रंग अब किसी से छुड़ाया न जाएगा, ये रंग अब किसी से छुड़ाया न जाएगा। मक्का मुनाद फरमाए लेकर चले तो दरे सरकार पर नहीं, लेकर चले तो दरे सरकार पर लेकिन वहां से लौट के आया न जाएगा, लेकर चले तो दरे सरकार पर लेकिन वहां से लौट के आया न जाएगा, ये दीने मुस्तफा है मिटाया न जाएगा। ये थे जनाब नईम अख्तर खादरी जो बारगाह रिसालत बाप में अपना नज़ाने अकीदत पेश कर रहे थे और इस शाम को अपनी निजात का जरिया बना रहे थे। नईम साहब जब नाम पढ़ रहे थे तो मुझे फिराकी बीजापुरी के चार मिसरे याद आए जिसने 300 बरस पहले ये कहा था कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली भीतर फना होता तो क्या होता, अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली भीतर फना होता तो क्या होता। आइए अजा गजल की उस फजा में चला जाए, हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है और शक लोगों ने हवाओं से सजा रखी है। आज का ये उर्दू का मुशायरा जो मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब के एजाज में मुनक्किद हो रहा है, उनकी उर्दू नवाजी, उनकी उर्दू वालों के साथ जो सरपरस्ती का रवैया रहा है,
अजात हमारी खुशनसीबी है कि हमें एक मोहतरम शख्सियत का इंतजार था, सहारा उर्दू अखबार के एडिटर मोहतरम सही साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और चाहता हूं कि वो आज के इस तारीख साल विषय में अपने इफ्तिताही कलमात से नवाजे। तुम आज बड़े मौके से महफिल में चले आए, हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। मोहतरम सही साहब से दरखास्त है कि वो तशरीफ लाए और अपने इफ्तिताही कलमात से नवाजे। मोहतरम सदर जलसा साहब एजाज जनाब अबू हाशिम आजमी साहब, शुराए कराम और हाजरी शमसी साहब को आज यहाँ इफ्तिताह करना चाहिए था, इसलिए मैं अपने हिसाब से आया थोड़ी सी ताखीर के लिए। माजर भिवंडी ऐसे शहर में जनाब अबू हाशिम आजमी साहब के एजाज में उनकी अदबी और सियासी खिदमात के मौके पे ये जलसा ये मुशायरा मुनाकिद किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुशायरा इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि हम ये डिमांड करें महाराष्ट्र में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाना चाहिए। मैं मुशायरे का प्लेटफॉर्म इसलिए इस्तेमाल करने की जरूरत कर रहा हूँ कि अबू हाशिम आजमी साहब के नाम से मंसूब है ये मुशायरा और असेंबली में इजलास चल रहा है। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब उर्दू दा तबका महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आंखों में आंखें डाल करके उर्दू के हक की बात उर्दू के महाराष्ट्र के रियासत के उर्दू अवाम एहसास कमतरी में मुब्तला है। और मैंने ये बात बेशतर महाराष्ट्र के सियासतदानों के जुबान से सुनी, वो ये एहसान जताते हैं उर्दू पर, उर्दू वालों पर, कि आपको जो महाराष्ट्र में मिल रहा है वो उत्तर प्रदेश बिहार से बेहतर है। मैं समझता हूं कि ये तारीखी गलतफहमी है, क्योंकि उर्दू को जो हिस्सा 1960 से पहले इस रियासत में या उस खित्ते में जिस खित्ते से महाराष्ट्र बना है वो मिला, आज तक नहीं मिला। क्या था? मैं समझता हूं कि यहाँ शोरा इकराम बैठे हैं जो जानते हैं कि उर्दू का पहला शायर वली दकनी, बेशक उर्दू का पहला शायर वली दकनी, उसकी सरजमीन, उसका मतलब उसकी जमीन, उसकी जन्मभूमि कर्म भूमि महाराष्ट्र, और उस महाराष्ट्र में उर्दू को उसका हक दस्तूर के हिसाब से मिलना चाहिए, भीख के हिसाब से नहीं। बिहार में यूपी में उर्दू के साथ क्या हुआ वो हमारा लेना देना नहीं है। हम अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप जान लीजिए औरंगाबाद में उर्दू के पहले शायर का जन्म हुआ, और उर्दू जुबान महाराष्ट्र में क्या थी 1960 में उर्दू का जब जन्म हुआ, उससे पहले बंबई सूबा था जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों थे, और सिटी बरार जिसमें निजाम स्टेट दक्कन की रियासत थी। भाई मेरे, इस महाराष्ट्र में उर्दू सरकारी जबान थी, उर्दू अदालतों की जबान थी, उर्दू पुलिस स्टेशन की जबान थी, और आप और हमारे आंखों ने देखा बंबई में शहरों में उर्दू जो है सड़कों की जबान थी, सड़कों के नाम पत्तियों के नाम लिखे जाते थे। मैं इससे आगे बढ़कर कहूं महाराष्ट्र वो रियासत है या उस खित्ते का एक हिस्सा है कि जिसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन थी वो उर्दू मीडियम में थी। तो आज तुम उर्दू स्कूलों को 3-4 अलग उर्दू स्कूलों को
ग्रांट देके और तनख्वाहें देके और मदद देके उर्दू पे एहसान नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर एक तारीखी हकीकत बताता चलूं कि महाराष्ट्र में उर्दू क्या थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल एजुकेशन MBBS LLB ये सारी एजुकेशन उर्दू जुबान में होती थी। और मैं आपको बताता चलूं कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और इस मुल्क के मरकजी वजीर दाखला श्री अशोक चव्हाण, ये दोनों ने जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे, इन दोनों ने उर्दू मीडियम में LLB किया। आज भी कुछ ऐसी नस्लें बची होंगी जिन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू में MBBS किया और जब इस मुल्क से, इस रियासत से उर्दू में MBBS हो रही थी। और हमारे अदालतों में आप जाएं देखिए, आज भी महाराष्ट्र में अदालतों में जो टर्मिनोलॉजी जबान में रखी होगी, टर्मिनोलॉजी आज भी उर्दू की है, फारसी की है। वकालतनामा, रोज नामचा, ये सब अदालतों में आप मराठी जबान में जारी है। तो ये क्या है, खुद हम अगर ये कहें कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जुबान अगर मराठी है तो उस मराठी जुबान में 30% अल्फाज मराठी के हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जितने स्कूल है उसमें 30% स्कूल उर्दू के नहीं है। ये नाइंसाफी है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए इस मुशायरे में, मुशायरे हमारी तहजीब है, मुशायरे हमारी तारीख है, और मुशायरों के जरिए मैं यही कहना चाहता हूं कि मुशायरे क्या थे और क्या हो गए, ये भी आप ध्यान कीजिए। मुशायरे न देखने की चीज है न सुनने की चीज है, मुशायरे हमारी तहजीब है। और हमने जब तहजीब से नाता तोड़ा तो मुशायरे जो है तफरी बन गए, और तफरी में हम अपना मकसद भूल गए, उर्दू जबान को भूल गए। मैं समझता हूँ कि मुशायरों को एक बार फिर तहजीब और मकसद की तरफ जोड़िए, मुशायरे को तफरी का जरिया मत बनाइए, मुशायरे को उर्दू के फरोग के लिए एक तहरीक बना दीजिए। मैं समझता हूँ कि आप संजीदगी की ज्यादा जरूरत है, और संजीदगी अगर हम में नहीं आई, उर्दू वालों में नहीं आई, मुशायरों में संजीदगी नहीं आई, तो हमारे लिए फिर आगे बढ़ना, हमारे मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचना बहुत ही गलत हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। साहब सईद साहब, मैं अपने ख्याल से रवाना, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कई वक्त की तंगी है, गुफ्तगू तवील नहीं की जा सकती है, उस शख्सियत के हुजूर पहुँचा जाए कि जिस बज में सहबा हो न सागर हो न खुम हो, जिस बज में सहबा हो न सागर हो न खुम हो, रिंदों को वहाँ फिर भी तसल्ली है कि दूर हो। मैं आली मर्तबत, काबिल एहतराम और इस मुल्क में अकलियतों की बेबाकी और जसारत का अगर किसी को आईना कहा जा सकता है तो वो शख्सियत है मोहतरम अबू आसिम साहब। मैं उससे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और इससे पाल किए मोहसिन उर्दू बेबाक सियासतदान मोहतरम अबू आसिम आजी। मशारे की सदारत कर रहे हैं मोहतरम मुकिम भाई, बाशिंदगान भिवंडी की तरफ से जिन लोगों ने मशारे को मुनाकिद किया, ऐसे हमारे सुफियान आजमी साहब, जलाल अहमद इंजीनियर साहब, सलाम नोमानी साहब, शाहराम पप्पू साहब, अफजल साहब, वसीम अहमद साहब, रियाज अहमद पप्पू साहब, शराय कराम, दोस्तों और साथियों, मुझे मालूम है किसी को तकलीर सुनना नहीं है, मुशायरा सुनना है, खड़ा कर दिया तो क्या करूँ यार, बोलना तो पड़ेगा। दोस्तों, मेरी खिदमत के इस पर मुशायरा हो रहा है, मैं क्या बयान करूँ, मैंने कौन सी खिदमत किया है, मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, वाह, नहीं कामयाब नहीं हो पा रहा। अभी उर्दू की बात हो रही थी, दो दिनों पहले मैं गया होम मिनिस्टर साहब के पास एक फाइल लेकर के, बड़ी मोटी फाइल थी, एक उमरा से लोगों ने दिया था मुझे, मगर उसके ऊपर जो कवरिंग लेटर था वो उर्दू में था,
मैंने मेरा लेटर लगाया एमएलए का, उसके बाद लेटर दिया, तो जब मेरा लेटर पढ़ने के बाद उन्होंने पलटा तो कहा ये क्या है। मैंने कहा पढ़ो क्या है। कहा ये तो मुझे नहीं मालूम पढ़ना। मैंने कहा तो क्यों नहीं पढ़ने वाला, मराठी मालूम है। बोले हाँ। मैं ये क्यों नहीं मालूम। बोला कहाँ की जबान है, यही की जबान है, पढ़ो इसको। तो हंसने लगे। मैंने कहा पढ़िए जना, नहीं तो कोई ट्रांसलेटर लाइए, ये पाकिस्तान की जबान नहीं, इसी मातृभाषा की जबान है, जहाँ की मराठी है, जहाँ मराठी का जन्म हुआ था वही उर्दू का जन्म हुआ था। लेकिन आप लोगों ने, खास तौर से महाराष्ट्र के लोगों ने उर्दू को मुसलमान बना दिया। अभी सही भाई बात कर रहे थे, उर्दू अकेडमी को अगर कोई सुनेगा कितना फंड दिया महाराष्ट्र सरकार ने तो हंसी आएगी। उर्दू अकेडमी के जलसे हो रहे हैं आजकल, उसके जिनको जिनको इनाम तकसीम, जिनको उनको बुला के इज्जत अफजाई की गई, चार साल में एक बार तो दिया गया ना सही भाई। और 5 लाख रुपया उर्दू अकेडमी का बजट, 5 लाख रुपया। जब शिवसेना की गवर्नमेंट थी तो 29 लाख रुपए का, और कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो 5 लाख हो गया। आंध्र प्रदेश में शायद 29 करोड़ है, दिल्ली में शायद 12-13 करोड़ है, लेकिन महाराष्ट्र में 5 लाख। ये हमारी हालत है। यही नहीं, उर्दू मुसलमान दोनों एक ही साथ चल रहा है। बजट अभी आया, बजट मुसलमानों के लिए 137 करोड़, 275 दिखता है ना, आधे उसमें से वो मुस्लिम है, वो माइनॉरिटी है जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, वो 13% मुसलमान, 137 करोड़। और सुन लो, ओबीसी, दलित, आदिवासी के लिए 8,248 करोड़। ये हमारी हालत है स्कूल के अंदर। क्या करेंगे हम लोग? उर्दू घर बनाने की बात हो रही है, 2,22,00,000 रुपया उर्दू घर के लिए। कौन सा घर बनेगा 2,22,00,000 में? मुख्यमंत्री ने बोला कि बरौनी में बनाएंगे, नांदेड़ में बनाएंगे, आरिफ नसीर साहब ने बोला कि मुंबई में बनाएंगे, नागपुर में बनाएंगे, और पैसा कितना? 2,22,00,000। हमने डिमांड किया कि कम से कम 15 करोड़ रुपया होना चाहिए, और भिवंडी और मालेगांव में इसी तरह का उर्दू ऑडिटोरियम बनना चाहिए, कम 3,000 लोग बैठ सके, ये होना चाहिए। उर्दू को बिल्कुल से उर्दू के साथ, उर्दू की स्कूलें खोला। मुझे कहने लगे मंत्री जी कि हमारे महाराष्ट्र में 1,000 से ज्यादा स्कूल चलते हैं उर्दू के, आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा 1,000 से ज्यादा स्कूल चलते हैं, लेकिन उर्दू के एक अर्जी हमारा मंत्री नहीं पढ़ पा रहा है, और उसके ऑफिस में एक कोई ऐसा आदमी भी नहीं है कि जो उर्दू पढ़ सके। ऐसे उर्दू पढ़ाने का फायदा क्या? उर्दू के 1,000 स्कूल खोल करके एक अर्जी आप लोग, हम लोगों को मिलकर इस उर्दू के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से एक आंदोलन करना है, और उर्दू को महाराष्ट्र की दूसरी सरकारी जबान बनवा कर ही दम लेना है। इस बात का हमें आग्रह करना है। मैं तमाम उन लोगों को जिन्होंने मुशायरे को मुनाकिद किया, और कम से कम भिवंडी में फिर चार लोगों के साथ बैठने को मौका मिला। उस दिन मैं बजट पर बहस कर रहा था तो मैंने कहा कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, यह हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। बैठे हैं मोहतरम राहत भाई साहब, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुशायरे सुनना है, दबा के मुशायरा सुनना है। बहुत बहुत उन लोगों को मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने इस मुशायरे को मुनाकिद किया। खुदा हाफिज। ये थे आपकी महबूब शख्सियत मोहतरम अबू आसिम हाजमी साहब, जिन्हें मैं अपने मुख्तसर ख्याल से दिलों में जो जज्बा पैदा किया है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। जाहिर है कि आप लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र का मामला है, मैं तो यूपी से लखनऊ से हाजिर हुआ हूं, लेकिन वाकई ये हमारे शरद पवार साहब इसी महाराष्ट्र के अहम और मुमताज लीडर हैं, जिन्होंने 45 करोड़ रुपया क्रिकेट के इनकम टैक्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से माफ कराया, और उर्दू अकेडमियां अकलियतों की
के साथ के जो मराठी सत्ता है यानी मराठी के जो मिनिस्टर है और शोभा है उसमें शामिल की जा रही है, यानी ये साबित कोशिश की जा रही है कि उर्दू को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया जाए। ये हमारे साथ साथी है और जुल्म है, इसलिए कि हम फिराक पूरी को कभी नहीं भूल सकते हैं, उर्दू में हम चप्पस को कभी नहीं भूल सकते हैं, हम किसी बिहारी मूल को कभी नहीं भूल सकते हैं। उर्दू एक मुश्तरका तहजीब है, एक अलामत है, एक जसारत है और एक तारीख है। आइए इसी तारीख को दोहराने के लिए मैं एक नौजवान शायर से दरख्वास्त करने जा रहा हूँ कि जिन्हें अपना समझती है उन्हीं की जान लेती है, जिन्हें अपना समझती है उन्हीं की जान लेती है, सही भी अपने मंसूरों को खुद पहचान लेती है। उस नौजवान शायर से दरख्वास्त करने जा रहा हूँ जिसने लोहिया के साथ अपनी जिंदगी का सफर उसके वालिद ने तय किया था। वो समाजवादी पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी की तारीख मुरतब करने में जिस शमसी मिराई का हिस्सा रहा था, आज उसका बेटा यहाँ अदबी विरासत के हमारा दारी के लिए यहाँ मौजूद है। मैं उस नौजवान का चाहता हूँ आप हजरात इस तरह इस्तेमाल करें और ये देखें कि शमसी मिराई की जसारतें, शमसी मिराई की सच्चाइयाँ और बेबाकियाँ उस नौजवान की शायरी में आपको अगर नजर आती हैं तो मैं समझता हूँ कि आप कोताही ना किएगा और यहीं से मशायरे को मशायरा बनाइएगा। उस्मान मिराई से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और आज की इस तारीख साल मशायरे का आगाज करें। भिवंडी का सुगन फहम और सुगन शनाख लोगों में पहली मरतबा हाजिर होने का शरफ हासिल हो रहा है। मैं मर्द मुजाहिद अबू आसिम आजमी साहब के हवाले से चार मिनट हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा। अर्ज क्या है कि इस जबरो तशद्दुद से जमीन पाक करेंगे, इस जबरो तशद्दुद से जमीन पाक करेंगे, जालिम के तकब्बुर को हम ही खाक करेंगे। वाह, इस जबरो तशद्दुद से जमीन पाक करेंगे, जालिम के तकब्बुर को हम ही खाक करेंगे और तुम जंग के तलवार चलाओ, तुम जंग के मैदान में तलवार चलाओ, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। इस जबरो तशद्दुद से जमीन पाक करेंगे, जालिम के तकब्बुर को हम ही खाक करेंगे, तुम जंग के मैदान में तलवार चलाओ, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। अर्ज क्या है कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की पकारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। अर्ज क्या है कि खत्म दुनिया से तेरी शान भी कर सकता है, खत्म दुनिया से तेरी शान भी कर सकता है, अर्श से मौत का ऐलान भी कर सकता है, खत्म दुनिया से तेरी शान भी कर सकता है, अर्श से मौत का ऐलान भी कर सकता है, जलजले भेज के शहरों को मिटाने वाला, जलजले भेज के शहरों को मिटाने वाला तेरे अमेरिका को जापान भी कर सकता है। वाह 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 वाह, क्या कहने उस्मान बाबा, जलजले भेज के शहरों को मिटाने वाला, खत्म दुनिया से तेरी शान भी कर सकता है, अर्श से मौत का ऐलान भी कर सकता है, जलजले भेज के शहरों को मिटाने वाला तेरे अमेरिका को जापान भी कर सकता है, तेरे अमेरिका को जापान भी कर सकता है। इसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। अर्चा की छोड़कर असल तेरे सूत को खा जाता है, छोड़कर असल तेरे सूत को खा जाता है, वो तो अफगान है बारूद को खा जाता है, छोड़कर असल तेरे सूत को खा जाता है, वो तो अफगान है बारूद को खा जाता है, वो है कमजोर
मगर ये भी नजर में रखना, वो है कमजोर मगर ये भी नजर में रखना, एक मच्छर ही तो अमरूद को खा जाता है। वो है कमजोर मगर ये भी नजर में रखना, एक मच्छर ही तो नमरूद को खा जाता है, एक मच्छर ही तो नमरूद को खा जाता है, वो है कमजोर मगर ये भी नजर में रखना, एक मच्छर ही तो नमरूद को खा जाता है। अब क्या है कि अजब तोहफे वतन को कौम के सरदार देते हैं, अजब तोहफे वतन को कौम के सरदार देते हैं, किसी को फूल देते हैं किसी को खार देते हैं, अजब तोहफे वतन को कौम के सरदार देते हैं, किसी को फूल देते हैं किसी को खार देते हैं, अभी भी तौलते हैं अदल को मुंसिफ तराजू पर, अभी भी तौलते हैं अदल को मुंसिफ तराजू पर, मगर वो फैसला करने में डाणी मार देते हैं। अच्छा, अजब तोहफे वतन को कौम के सरदार देते हैं, अजब तोहफे वतन को कौम के सरदार देते हैं, किसी को फूल देते हैं किसी को खार देते हैं, अभी भी तोलते हैं अदल को मुंसिफ तराजू पर, मगर वो फैसला करने में डाणी मार देते हैं, मगर वो फैसला करने में डाणी मार देते हैं। अर्ज क्या है कि मोहतरम जब से सियासत के हवाले हो गए, मोहतरम जब से सियासत के हवाले हो गए, उजले बाहर से हुए अंदर से काले हो गए। उजले बाहर से हुए अंदर से काले हो गए, और जब जवानी थी वो गजरे हाथ में बांधे रहे, जब जवानी थी वो गजरे हाथ में बांधे रहे, जब बुढ़ापा आ गया अल्लाह वाले हो गए। क्या कहने वाला, क्या कहने भाई, मोहतरम जब से सियासत के हवाले हो गए, मोहतरम जब से सियासत के हवाले हो गए, उजले बाहर से हुए अंदर से काले हो गए, जब जवानी थी वो गजरे हाथ में बांधे रहे, जब बुढ़ापा आ गया अल्लाह वाले हो गए, अल्लाह वाले हो गए। अब क्या है कि मेरे ईमान के खरीदार से क्या होता है, मेरे ईमान के खरीदार से क्या होता है, लाख दीनार हो दीनार से क्या होता है, मेरे ईमान के खरीदार से क्या होता है, लाख दीनार हो दीनार से क्या होता है, और मेरा अल्लाह मुझे रिस्क अता करता है, मेरा अल्लाह मुझे रिस्क अता करता है, साल दो साल की सरकार से क्या होता है, मेरा अल्लाह मुझे रिस्क अता करता है, साल दो साल की सरकार से क्या होता है, साल दो साल की सरकार से क्या होता है, हमारी दिल्ली की पुलिस और दूसरे सूबों की पुलिस आजमगढ़ में दहशतगर्द तलाश करने जाती है, मैं बताता हूँ कि दहशतगर्द कहाँ होते हैं। अर्ज क्या है कि क्यों घूमते फिरते हो हर एक क्षण मेरे अंदर, क्यों घूमते फिरते हो हर एक क्षण मेरे अंदर, कुछ खैर के पहलू में मेरी जात में ढूंढो, क्यों घूमते फिरते हो हर एक क्षण मेरे अंदर, कुछ खैर के पहलू भी मेरी जात में ढूंढो, और दाढ़ी में नहीं है मेरी टोपी में नहीं है, दाढ़ी में नहीं है मेरी टोपी में नहीं है, इस देश के दुश्मन से भी गुजरात में ढूंढो। पहली बार आपके दयाल में हाजिर हुए, लेकिन वाकई भगवती ये वो भगवती है जिसने साहिल को हरी सरदार जाफरी मजूर को कैफी को और जाने और इस नौजवान में आपने इस्तकबाल के इससे भी शुक्रगुजार होगा। जनाब उस्मान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक नज़्म हासिल करना चाहता हूँ जिसका उनवान है एक हिंदुस्तानी मुसलमान का फिरका परस्तों से खिताब। आज़ादी के बाद से यहाँ पर एक अजीब सूरत हाल है, एक ऐसा तबका पैदा हो गया है जो मुसलमानों को शक व शुबे की नज़र से देखता है, इनको गैर मुल्की समझता है और उनसे वफादारी का सबूत मांगता है, लेकिन ये वो तबका है जो आज़ादी को जद्दोजहद में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं रहा बल्कि अंग्रेज परस्त रहा, इसने गांधी जी की मुखालफत की, कांग्रेस की मुखालफत की, और जो गांधी जी का कत्ल हुआ तो इसी तबके ने जश्न मनाया। आज वही तबका मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की बातें करता है। एक हिंदुस्तानी मुसलमान का पिता परस्तों से खिताब। अर्ज क्या है कि आशिक हैं इस वतन के जफाकार हम नहीं,
आशिक हैं इस वतन के, दफाकार हम नहीं, शफाफ आईना है, अदाकार हम नहीं, हमको समझ रहे हो, तुम आखिर कपूत क्यों, देंगे वफा का अपनी, तुम्हें हम सबूत क्यों, जब तक रहे गुलाम, घरों में घुसे रहे, आजाद होके तुम भी वफादार हो गए, जब तक रहे गुलाम घरों में घुसे रहे, जब तक रहे गुलाम घरों में घुसे रहे, आजाद होके तुम भी वफादार हो गए, तारीख अपनी तुमको बताता हूं मैं अभी, एक दास्तां वफा की सुनाता हूं मैं अभी, चिश्ती ने और निजाम ने सबको वफाएं दी, चिश्ती ने और निजाम ने सबको वफाएं दी, लेके रहे वो कब्र में लेकिन दुआएं दी, रहमत ने और सिराज ने सर तक कटा दिए, रहमत ने और सिराज ने सर तक कटा दिए, टीपू ने दुश्मनों के पर्चे उड़ा दिए, रहमत ने सिराज ने सर तक कटा दिए, टीपू ने दुश्मनों के पर्चे उड़ा दिए, अंग्रेज के खिलाफ वो जज्बे कहां गए, अंग्रेज के खिलाफ वो जज्बे कहां गए, क्या जाने देवबंद के सपने कहां गए, अंग्रेज के खिलाफ वो जज्बे कहां गए, क्या जाने देवबंद के सपने कहां गए, देते थे मदरसे ही सबक ये अवाम को, देते थे मदरसे ही सबक ये अवाम को, शरबत की तरह पीना शहादत पे जाम को, देते थे मदरसे ही सबक ये अवाम को, शरबत की तरह पीना शहादत पे जाम को, हजरत की और कलाम की तहरीर याद है, जौहर की गोल मेज में तकरीर याद है, इस देश की जमीन के हवाली कहां गए, ज़हनों से तेरे फजल व बुखारी कहां गए, कासिम की बख्त खान की तलवार याद कर, हैदर अली के जंग में किरदार याद कर, शाह ज़फर ने मुल्क पर सब दान कर दिया, अपने जिगर के टुकड़ों को कुर्बान कर दिया, के वास्ते सभी रिश्तों से लड़ गया, भारत के वास्ते सभी रिश्तों से लड़ गया, अब्दुल हमीद टैंक से तोपों से लड़ गया, सरहद बचाने वाले हमारे ही हाथ हैं, आइटम बनाने वाले हमारे ही हाथ हैं, हमने तो दी हसीन जमीन को, हमने तो दी हसीन वतन इस जमीन को, हमने दिया है ताजमहल इस जमीन को, डाली है इश्क के सभी पौधों में हमने खाद, हमने तो अपने कब्र से बांटा है इतिहास, भारत की शान किसकी अता है जवाब दो, भारत की शान किसकी अता है जवाब दो, ये लाल किला किसने दिया है जवाब दो, अब तुम बताओ तुमने वतन को दिया है क्या, वाह वाह भारत की शान किसकी अता है जवाब दो, भारत की शान किसकी अता है जवाब दो, ये लाल किला किसने दिया है जवाब दो, अब तुम बताओ तुमने वतन को दिया है क्या, तारीख का निशान भी तुमने गिरा दिया, अब तुम बताओ तुमने वफा का, अब तुम बताओ तुमने वतन को दिया है क्या, तारीख का निशान भी तुमने गिरा दिया, पोशीदा फाइलों की तिजारत तो की नहीं, पोशीदा फाइलों की तिजारत तो की नहीं, हमने जमीन हिंद की गाजर तो की नहीं, कानून अपने हाथ में लेते नहीं कभी, कानून अपने हाथ में लेते नहीं कभी, भारत के राज चीन को देते नहीं कभी, इस देश के खिलाफ कानून अपने हाथ में लेते नहीं कभी, भारत के राज चीन को देते नहीं कभी, इस देश के खिलाफ कहानी लिखी नहीं, इस देश के खिलाफ कहानी लिखी नहीं, हमने कभी जिनाह की तारीफ की नहीं, इस देश के खिलाफ कहानी लिखी नहीं, हमने कभी जिनाह की तारीफ की नहीं, जमहूरियत के चेहरे को काला नहीं किया, जमहूरियत के चेहरे को काला नहीं किया, हमने वतन में कोई घोटाला नहीं किया, हमने वतन में कोई घोटाला नहीं किया, जमहूरियत के चेहरे को काला नहीं किया, हमने वतन में कोई घोटाला नहीं किया, गांधी शहीद है कौम का, कातिल है कौन शख्स, गांधी शहीद है कौम का, कातिल है कौन शख्स, राजीव जी के कत्ल में शामिल है कौन शख्स, किसने चलाई फूलों की महफिल में गोलियां, किसने चलाई फूलों की महफिल में गोलियां, किसने चलाई इंदिरा के दिल पे गोलियां, शुक्र खुदा है इनमें कहीं पर भी हम नहीं, राजीव जी के कत्ल में शामिल है कौन तक, किसने चलाई फूलों की महफिल में गोलियां, किसने चलाई इंदिरा के दिल में गोलियां, शुक्र खुदा है इनमें कहीं पर भी हम नहीं, तस्बीह पढ़ने वालों के हाथों में बम, शुक्र खुदा है इनमें कहीं पर भी हम नहीं, तस्बीह पढ़ने वालों के हाथों में बम नहीं, हर जुल्म और जब गद्दार वो जो देश पे डाले बुरी नजर,
गद्दार मौत जो देश पर डाले पूरी नजर, रास्ते हयात जिसका है कितनों के साथ साथ दर, गद्दार मौत जो देश पर डाले पूरी नजर, रास्ते हयात जिसका है कितनों के साथ पर, गद्दार मौत जो रिश्तों में तेजाब डालकर, गद्दार मौत जो रिश्तों में तेजाब डालकर ले जाए जो फसाद रथों पर नगर नगर, गद्दार मौत रिश्तों में तेजाब डालकर ले जाए जो फसाद रथों पर नगर नगर, इनमें से कोई साहिब ईमान नहीं हुआ, इनमें से कोई साहिब ईमान नहीं हुआ, अब तक तो इनमें कोई मुसलमान नहीं हुआ, इनमें तो कोई साहिब ईमान नहीं हुआ, अब तक तो इनमें कोई मुसलमान नहीं हुआ, हर जुल्म और जबर को सहना यहीं पे है, हर जुल्म और जबर को सहना यहीं पे है, लाहौर में नहीं मुझे रहना यहीं पे, हर जुल्म और जबर को सहना यहीं पे, लाहौर में नहीं मुझे रहता नहीं हूँ, दफन भी हो जाऊंगा यहीं, रहता नहीं हूँ, दफन भी हो जाऊंगा यहीं, खाके वतन को उड़ के सो जाऊंगा यहीं। बहुत अच्छा, क्या कह रहे हो।